हमने बहुत सारा फ्रिज रिपेयरिंग किया, दूसरों का फ्रिज रिपेयरिंग किया, चेक किया, लेकिन आज हम अपने घर में जो यूज कर रहे हैं फ्रिज, उनके बारे में बताएंगे, उनका रिव्यू देंगे हम। इस फ्रिज को लगभग 1.5 साल हो गया है। 2021 में हम मार्च के महीने में खरीदे थे, 2021 में, और ये नॉन इन्वर्टर फ्रिज है, एलजी का, सिंगल डोर, 175 लीटर का है। और 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल जो हो गया है, लेकिन अभी तक इनमें एक भी प्रॉब्लम नहीं आया है। ये हमारा एक्सपीरियंस है, यूज किए हम, और आपको जो जेन्युइन चीज बता रहे हैं कि इनमें 1.5 साल हो गया है लेकिन एक भी आज तक प्रॉब्लम नहीं आया है, जबकि हमारे एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएशन इतना होता है कि मत पूछिए, हद से ज्यादा होता है। कभी वोल्टेज जरूरत से भी ज्यादा आ जाता है, कभी कम आता है, मतलब आए दिन होते रहता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन। फिर भी ये फ्रिज जो है अभी तक किसी भी तरह का दिक्कत नहीं दिया, एकदम मस्त फर्स्ट क्लास चल रहा है, इसको एकदम धज्जी उड़ा के चला रहे हैं, मतलब पूरे ठूस देते हैं सामान इसमें, फिर भी ये किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं देता है। तो भी हम पूरा तरीके से बताते हैं इनके बारे में। इनका लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ये मेंशन है, ये 2 स्टार है। वैसे 3 स्टार के बाद जो है इन्वर्टर आने लगता है, ये 3 स्टार में भी इन्वर्टर है, 2 स्टार 1 स्टार है, तो समझिए कि नॉन इन्वर्टर है। और यहाँ पे जो है इनका ये मेंशन है डेट, इनका 175 लीटर का है, डायरेक्ट फूल है, वर्क विदाउट स्टेबलाइजर। इनका इधर से कुछ इस तरह से लुक है। और ये कितने में फ्रिज में क्या होता है कि अंदर में इसका कंडेंसर रहता है, वैसे एलजी में जो है कंडेंसर जल्दी लीक नहीं होता है, अंदर वाला जो होता है, रेयर केस में कभी कभी लीक हो जाता है, लेकिन बाहर जो कंडेंसर रहता है वो ठीक रहता है। ये नॉन इन्वर्टर में जो बाहर कंडेंसर दिया हुआ है, मान लीजिए कभी लीकेज हो भी जाता है तो आराम से ये चेंज हो जाएगा, वैसे जो अंदर में रहता है उनको चेंज करने में जो थोड़ा सा वो तो अंदर में रह ही जाता है, बाहर से लगाना पड़ता है अगर लीकेज कभी कदाल हो जाता है तो। और यहाँ पे ये इनका फिल्टर ड्रायर है, कंप्रेसर है, यहाँ पे जो है सिर्फ रिले लगा हुआ है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे पीसी बॉक्स होता है इन्वर्टर, फिर यहाँ पे इस जगह पे। इनके अंदर का जो है कुछ इस तरह से लुक है, एकदम मजबूती है इसका, अब कोई लड़ने थोड़े जाएगा इनसे, प्लास्टिक ही है लेकिन आराम से अगर रखा जाए तो ये नहीं टूटेगा। देखिए थर्मोस्टेट यहाँ है, इनको 6 पे लगा रखे हैं। और फ्रीजर मेरा तो भरा ही रहता है हमेशा, इसमें अभी बोतल खाली हुआ है, हमेशा इसमें 5-6 बोतल भर के रखा रहता है। छोटा साइज का फ्रिज है ये, छोटे फैमिली के लिए ठीक है। इसमें बात यह है कि इसमें दिक्कत बहुत कम आता है, नॉन इन्वर्टर है, नॉन इन्वर्टर में तो यही तो खासियत है, एक रिले लगा होता है, ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा तो वो रिले उड़ेगा, और रिले बहुत सस्ता आता है जो बहुत ही आसानी से लग जाता है, हर जगह मिल जाता है। लेकिन जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर फ्रिज, उनमें पीसीबी लगा होता है, मान लीजिए कभी कदल कोई वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से वर्क करना बंद कर दिया तो उसमें क्या होता है, या तो पीसीबी खराब होता है, वही चीज़ होता ही है, पीसीबी चेंज करना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, वो तो लगाना पड़ता है और बाहर से मिलता भी नहीं है। तो ये जो है वैसे अब तो इन्वर्टर एसी ही इन्वर्टर फ्रिज ही आ रहा है, नॉन इन्वर्टर तो आना बंद हो गया, फिर भी कोई कोई कंपनी अभी भी बना रहा है, तो कंपनी चाहे कोई भी हो लेकिन फ्रिज जो है लीजिए, तो मेरे सजेशन में है कि नॉन इन्वर्टर ही लीजिए, अगर छोटा फ्रिज सिंगल डोर का ले रहे हैं। वैसे अभी तो मिलना मुश्किल है, अगर मिलता है तो ले लीजिएगा। बस यही इनका रिव्यू है, एकदम मस्त चल रहा है। वैसे हम जब ये फ्रिज खरीदा रहा था तो हम यहाँ थे नहीं अपने घर पे, हम पटना में थे, जब हम से पूछा गया तो हम सजेस्ट किए कि नॉन इन्वर्टर ही लेना, वहाँ पे सेल्समैन को से बात कराया गया हमको, तो हम बोले कि भैया देखिए हम टेक्नीशियन हैं तो मेरे पास तो आपका ज़्यादा वो चलेगा नहीं, तो आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही कीजिए। वैसे वो बहुत पहले ये करने का कोशिश किया कि ये ले लीजिए वो ले लीजिए, बिजली बचाता है, बिजली बचाएगा, उनके वो सब समझते हैं हम, जो इतना कह रहे हैं उतना ही कीजिए, और नॉन इन्वर्टर जो है जो भी फ्रिज है वो निकाल करके दे दीजिए। तो नतीजा वही है, 1.5 साल हो गया अभी तक कोई भी चीज़ नहीं आया है प्रॉब्लम, बाकी नहीं आएगा और लाइफ इसका जितना होगा उतना तो चलेगा ही। इस फ्रिज का कीमत जो हमको 13,600 रुपया पड़ा था, और ये हमारे शहर में ही पास में ही आदित्य विजन नया नया खुला ही था, तो सारे आदमी जो है एकदम होड़ मचा हुआ था कि देखने के लिए अप्लायंस का शॉप खुला हुआ है, क्योंकि ये गांव घर का एरिया है,
तो कुछ आदमी तो ऐसे ही जाकर के खड़े होकर देखते रहते थे। उनमें ही ये फ्रिज जो है खरीदा गया था, तो 13,600 रुपया इनका पड़ा था और एकदम मस्त चल रहा था।